और इस वक्त आगरा से खबर आ रही है जहां पर अगवा व्यापारियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने व्यापारी को सकुशल बरामद किया है, एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। इसमें दो की तलाश इस वक्त की जा रही है। व्यापारी के ही फोन से उसके पार्टनर से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ग्वालियर में फिरौती के लिए पैसे भेजने के लिए कहा गया था। आगरा के पिनाहट का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। रकाबगंज पुलिस ने पिनाहट के कुराबली गांव से इस व्यापारी को बरामद किया है। तो बरामद किया है व्यापारी को, लेकिन इसके साथ साथ जो एक आरोपी है उसे भी धर दबोचा है। बातचीत करने के लिए आमिर कुरैशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या खबर मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? कहां से व्यापारी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, माफ कीजिएगा, अगवा जो व्यापारी था उसको सकुशल बरामद कर लिया है, और साथ ही इसमें और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए बिजनौर के रहने वाले राम आसरे हैं, ये अपने पार्टनर हैं इनके नीलेश, ये दोनों बिजनौर में ही बर्फ की मशीन बनाने की फैक्ट्री करते हैं। आगरा में कुछ लोगों के द्वारा बीते 15 मार्च को इनको बुलाया गया था। उसके बाद राम आसरे अपने भांजे के साथ यहाँ पर आए थे, तभी इनका अपहरण कर लिया गया और इनके साथ में जो इनका भांजा था अपहरणकर्ताओं ने उसको छोड़ दिया था। हालांकि जब राम आसरे का अपहरण किया गया तो उनके पार्टनर को उन्हीं के फोन से 50 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई। इसके बाद उन्होंने थाना पुलिस से संपर्क किया तो अब रकाबगंज पुलिस ने मुकदमा गुमशुदगी का दर्ज किया था। तो पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी, नंबर को सर्विलांस में लगाया था। पुलिस को सबूत मिला कि जो अपहरण करता है वो आगरा के पिनाहटी क्षेत्र का रहने वाला है और राम आसरे भी वहीं पर हैं। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए व्यापारी राम आसरे को सकुशल बरामद किया और एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है, जबकि दो उसके साथी जो है वो अभी फरार हैं। अब पुलिस का साफ कहना है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो उसके दो अन्य साथी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जी ठीक है कामिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कानपुर में नशे की हालत में एक नशेबाज ने पुलिस की पिटाई कर दी और पुलिस के मुताबिक नशे में धुत शख्स को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया और गोली मारने की धमकी भी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने आरोपी को काबू में कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी आकाश मारपीट के मामले में हैदराबाद में भी जेल जा चुका है और चकेरी थाना क्षेत्र के मान्यवर काशीराव ट्रॉमा सेंटर का ये पूरा मामला है। लोगों के ऊपर चढ़ रहे, बोले मारेंगे, मैं क्या करूं, ये मेरा दोष है, नशे में है, मेरा दोष है, नशे में है, मैं तो नशे में नहीं। और अम्बेडकर नगर में प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की हत्या का मामला अब सामने आया है। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज प्रेमी लड़की के घर पहुंच गया, जहां पर लड़की के परिजनों ने चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी लड़की, उसके दो भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया। समनपुर थाना क्षेत्र के ताजोपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शाजापुर पुलिस ने शातिर बदमाश के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलाह और कारतूस भी बरामद किया गया। दोनों बदमाश कई मुकदमों में लंबे समय से फरार चल रहे थे और थाना पुवाया के अनंतापुर चौराहे का ये पूरा मामला है। मथुरा में सराफा व्यापारी पिता बेटे से बदमाशों ने बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया। बाइक सवार तीन बदमाशों ने असलाहा के बल पर सराफा व्यापारी से 15 लाख के जेवरात और 2.5 लाख नकद लूटकर फरार हो गए। बदमाश ने लूट के दौरान पिस्टल के बट से व्यापारी पिता बेटे पर हमला भी किया, जिसमें दोनों मामूली रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया और मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। थाने हाईवे क्षेत्र के आगरा दिल्ली एनएच की ये घटना बताई जा रही है। तीन बाइक पर सवार तीन बंदे बाइक पर सवार होके आए, उन्होंने हमारी बाइक में टक्कर मारी, हम पे बंदूक से वार किया, हवाई फायर किए उन्होंने और हमारा सारा सोना चांदी सब छुड़ा के लेके गए। सोना चांदी लेके आपकी? सब सोना चांदी छुड़ा के। लगभग कितने रुपए की अनुमानित लूट है आपकी? 15 से 20 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए कैश था। कहाँ पर दुकान है आपकी? मूलचंद ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, तंतुरा रोड।
शाजापुर में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर दारोगा पर बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने रिश्वतखोर दारोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक पीड़ित सत्यपाल सिंह के खिलाफ कुछ दिनों पहले ही आबकारी अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दारोगा की ओर से धारा न बढ़ाने के एवज में रुपए की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा नरेंद्र शर्मा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। थाना बंडा में तैनात था आरोपी दारोगा। और जौनपुर पुलिस होली और आगामी चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी त्योहार को लेकर अवैध शराब की सप्लाई किया करने वाले थे। खेता सराय के थाय क्षेत्र की ईंट भट्टे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। अनिल उराव व कुंदन उराव जो कि रांची झारखंड के रहने वाले हैं, शराब बनाते हुए पाए गए और वहां पे चार ड्रम में 250 लीटर कच्ची शराब की लहन बरामद हुई और दो शराब बनाने की भट्टियां बरामद हुई। अभियुक्तों को हिरासत पुलिस में लेकर विधिक कार्रवाई की गई, अभियुक्त पंजीकृत किया गया। कुशीनगर पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक टॉयलेट क्लीनर हार्पिक के नाम से नकली प्रोडक्ट बनाने की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मौके से 2,00,000 कैश, हार्पिक का नकली प्रोडक्ट बॉटल और साथ ही भारी मात्रा में स्टीकर भी बरामद किए गए। द्वारा फर्जी घरेलू सामान जिसमें हार्पिक एवं डॉल्फिन के सामान इन्वॉल्व हैं बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग विभिन्न रॉ मटेरियल अलग जगह इकट्ठा करके फर्जी हार्पिक के पैकेटों में फर्जी स्टैम्प लगा के, फर्जी उनके स्टिकर लगा के यह सामान आसपास के जनपद में बेचा करते थे। इसका जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनका उनमें से सरगना रविंद्र चंद्र गुप्ता है एवं उसके 2 साथी साजन सैनी एवं पारस गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर में लॉकअप से फरार बंदी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश अंकित उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जिसे नजदीकी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। बदमाश पर अलग अलग जिलों में हत्या और लूट समेत 15 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि बदमाश अंकित 11 मार्च को कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। महर्षि रोड का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। जौनपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस पलट गई। बस पलटने से चालक समेत 4 बच्चे घायल हो गए। 25 छात्रों से भरी बस पलटी, बड़ा हादसा टल गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस हादसे का शिकार हुई थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जफराबाद थाना के मिश्रा चौराहे के पास हाईवे रोड की ये घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बस में 25,000 बच्चे सवार थे। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।